नमस्ते सर, स्वागत है आपका रिद्धि सिद्धि इलेक्ट्रॉनिक पर, जो हमारा गोदरेज का पीबीओ है। आज हमने यहाँ पर एक हमारी मशीन है हेलो, जो 7 kg के अंदर है और विद हीटर, तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी मशीन है ये। इस मशीन के अंदर हम एकदम नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, जिसको हम बोलते हैं रोलर कास्टर वॉश। ये जो रोलर कास्टर जो वॉश है, ये 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। ये देखिए, आप इसमें देख रहे होंगे, इसका ये जो पल्सेटर देखिए आप, इसका कितना हैवी पल्सेटर है। जो रोलर कास्टर जो वॉश है, उसके अंदर 3 चीजें आती है। एक तो आता है इसका पल्सेटर आता है, प्लस दूसरा जो आता है इसका ग्रेविटी ड्रम आता है। ये जो आप ड्रम देख रहे हैं, ये जो आप नीचे की तरह जो इसका जो जा रहा है, ये देखिए, हाँ ये ड्रम देखिए आप इसका, ये दूसरे इसका आता है ये ड्रम, प्लस तीसरी जो इसकी चीज आती है वो आती है इसका कैस्केड वाटरफॉल। कैस्केड वाटरफॉल का मतलब हो गया कि झरने की तरह पानी गिरना। अब क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर जो हमने पल्सेटर यूज करा है, वो बहुत ही हैवी पल्सेटर यूज करा है। इसके अंदर, इस पल्सेटर के अंदर 2.5 इंची की डेप्थ दी हुई है। देखिए आपको ये दिख रहा होगा, 2.5 इंची की डेप्थ दी हुई है, मतलब बहुत ही हैवी और पावरफुल पल्सेटर है। क्योंकि मेनली जो वॉशिंग मशीन के अंदर क्या होता है, जो मेनली जो वॉशिंग मशीन के अंदर जो चीज होती है, वो मशीन का पल्सेटर होता है। यानी पल्सेटर आप बोलो तो मतलब उस मशीन की मेन चीज हो गई। अब इसके अंदर ये काम कैसे करेगा कि जैसे कि आपने इसके अंदर अपने कपड़े डाले, कपड़े डालने के बाद में जैसे ही आप अपनी साइकिल स्टार्ट करोगे, पल्सेटर चलेगा। तो पल्सेटर क्या है कि आपके कपड़ों को ऊपर की तरफ डालेगा। प्लस हमने जो इसके अंदर जो ये ड्रम जो इसके अंदर लगाया है, ये ग्रेविटी ड्रम है, वो क्या करेगा कि कपड़ों को नीचे की तरफ करेगा। यानी कि पल्सेटर से आपके कपड़े ऊपर आ रहे हैं, प्लस ग्रेविटी ड्रम से आपके कपड़े नीचे की तरफ जा रहे हैं, प्लस साइड में जो हमने इसमें कैस्केड वाटरफॉल दिया हुआ है, उसमें क्या है कि आपके कपड़ों के ऊपर झरने की तरह पानी गिर रहा है। यानी कि आपका जो कपड़ा है, वो एक तरीके से अगर आप देखो तो ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से इसके इस मशीन के अंदर क्लीन मिलेगा आपको। इस टेक्नोलॉजी को हमने इस मशीन के अंदर यूज करा है, जिसको हम रोलर कास्टर वॉश बोलते हैं। प्लस देखिए, इसके अंदर हमने जो ये लिंट फिल्टर लगाया है, आप ये भी देख रहे होंगे, तो ये भी हमने बिल्कुल एकदम नीचे की तरफ लगाया है, जिससे जब आप इस मशीन को चलाएंगे तो उसके अंदर जो कपड़े के जो छोटे जो रुए रेशे वगैरह जो होते हैं, वो इजीली आ सके। और ये देखिए, इसके अंदर हमने जो ये लिंट फिल्टर की, मैं आपको क्वालिटी भी एक बार दिखाना चाहूंगा। ये देखिए कितना हैवी लिंट फिल्टर है, पूरा प्लास्टिक का बड़ा लिंट फिल्टर हमने इसके अंदर यूज करा। प्लस ये देखिए, इस मशीन के अंदर हमने हाइड्रोलिक गेट दिया है। ये देखिए, ये अपने आप ही हाइड्रोलिक गेट है, अपने आप ही नीचे की तरफ आएगा। प्लस इस मशीन के अंदर हीटर इनबिल्ड है, अगर आप हीटर को भी यूज करना चाहें तो इस मशीन के अंदर हीटर को भी यूज कर सकते हैं। प्लस देखिए, मैं आप इस मशीन के आपको मोडों के बारे में बता देता हूँ। इसमें देखिए, आपका एक डेली मोड दिया हुआ है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा डेली, यहाँ पर आप अपना डेली मोड यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप डेली के कपड़े अगर आप इसके अंदर धो रहे हैं, तो आप डेली मोड के थ्रू इसके अंदर यूज कर सकते हैं। प्लस दूसरा मोड इसमें हैवी दिया हुआ है, प्लस तीसरा जो इसके अंदर आप मोड देख रहे हैं, ये डेलीगेट्स का दिया हुआ है। जो भी आपके पार्टी वेयर कपड़े जो होते हैं, वो आप डेलीगेट्स मोड पर उनको वॉश कर सकते हैं। प्लस इसका जो फोर्थ मोड है, आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे, ये व्हाइट कपड़ों के लिए दिया हुआ है। मतलब व्हाइट कपड़ों के लिए भी इस मशीन के अंदर हमने अलग से मोड दे दिया है पूरे का पूरा। प्लस इसके अंदर हमने ये देखिए, बुलन का भी हमने अलग से दे दिया है, तो मोड भी इसके अंदर अलग से दिए हुए हैं, जिनको आप डायरेक्टली सेलेक्ट करके अपनी साइकिल को चूज कर सकते हो, जिससे आपकी जो वॉशिंग है वो इजी हो जाएगी। प्लस इसके अंदर हमने टप क्लीन का ऑप्शन भी दिया हुआ है, ये देखिए टप क्लीन का ऑप्शन देख रहे होंगे। ये आपको क्या है, 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है इस बटन को। अगर आप 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखते हैं, तो जो टब है ना, वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा, टप क्लीन। फिर आप इसके अंदर देखेंगे इको मोड, हमने एक इसके अंदर एक इको मोड का फीचर भी दिया हुआ है। इको मोड पर अगर आप अपने कपड़ों को धोते हैं, मतलब इको मोड अगर आप साइकिल को यूज करते हैं, तो इसके अंदर पर साइकिल आपको 44 लीटर पानी की बचत होगी। यानी कि एक साइकिल के अंदर 44 लीटर पानी की बचत करके ये आपको देगा। प्लस आप इसमें देखिए, इसके अंदर आपका जो है ना, लोड डिटेक्टर भी दिया हुआ है, लोड डिटेक्टर भी दिया हुआ है। प्लस इसके अंदर आप मतलब देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये, और प्लस इसके अंदर हम जो पैनल यूज कर रहे हैं, ये इनले मॉड्यूल पैनल यूज कर रहे हैं। इनले मॉड्यूल पैनल का मतलब क्या है, ये जो पैनल है, ये बॉडी का ही पार्ट है। आप दूसरी मशीनों में देखेंगे तो उनके अंदर क्या होता है, जो पैनल होता है वो बाहर से लगाया हुआ होता है। बाहर से अगर हम कोई भी पैनल को लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर प्रॉब्लम आई जाएगी,
3 साल बाद में 4 साल बाद में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो प्रॉब्लम आने से क्या होगा, देखिए इसकी पीसीबी खराब हो जाती है, और मेनली जो पीसीबी होती है वो अपनी बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आ जाती है, फिर उसकी 5 से 7 हजार रुपए कॉस्टिंग आती है। हमने जो इस मशीन के अंदर यूज करा है वो इनले मॉड्यूल पैनल यूज करा है। तो इनले मॉड्यूल के अंदर क्या है कि ये आप देखेंगे, आप जब यहाँ पर इसको, तो ये देखेंगे इसके अंदर है, मतलब बाहर की तरफ नहीं है, इस बॉडी के अंदर ही है, मतलब बॉडी का ही पार्ट है ये तो पैनल। और प्लस हमने इसके अंदर लिख के भी हम दे रहे हैं, ये देखिए 100% वाटर रेसिस्टेंट पैनल, ये आपका 100% वाटर रेसिस्टेंट है। दूसरी मशीनों के अंदर आप देखोगे तो ये चीज लिखी हुई नहीं आएगी, लेकिन हम इस मशीन के अंदर आपको लिख कर भी दे रहे हैं। प्लस इसके अंदर जो है आपका यहाँ पे टेम्परेचर आपका शो कर जाएगा, प्लस आपका जो है यहाँ पे मोड भी आ जाएगा, लो मीडियम हैवी, जो भी आप मतलब इसमें डिटर्जेंट जो आप डालना चाहते हैं, डिटर्जेंट भी अपने आप ही डिटर्जेंट लोड इंडिकेटर है जो आपको यहाँ पे दिखा देगा आपके कपड़ों के हिसाब से, जो जो भी आपने कपड़े डाले हैं तो उस हिसाब से बता देगा। प्लस आप यहाँ पे ये देखिए, इसके अंदर जो है हमने बाकी साइकिल्स को भी इसमें है, प्लस इस मशीन को आप सेमी की तरह भी यूज कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको अपने कपड़े वॉशिंग वॉश करने हैं तो वॉशिंग वॉश कर सकते हो, रिंजिंग ही रिंजिंग करनी है तो आप इस मशीन के अंदर रिंजिंग ही रिंजिंग कर सकते हो, प्लस आपको स्पिनिंग स्पिनिंग करनी है तो आप स्पिनिंग स्पिनिंग भी इसके अंदर आप कर सकते हो। प्लस इसके अंदर ये देखिए हमने यहाँ पर इसको कस्टमाइज भी करके दिया है, ये देखिए अगर आप ये वाला बटन इसमें प्रेस कर देंगे तो ये क्या है, कस्टमाइज हो जाएगी ये मशीन। मतलब कस्टमाइज का मतलब ये आप इस मशीन को जैसे भी यूज करना चाहते हो उस तरीके से आप इस मशीन को यूज कर सकते हो। प्लस इसके बटन, इसके साइड में जो ये जो बटन दिया हुआ है ये हमारा रिंजिंग वगैरह के लिए दिया हुआ है। प्लस इसके अंदर आप अगर जैसे कि स्पिन, आप स्पिन करने की साइकिल भी इसके अंदर अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप स्पिन करने की साइकिल भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। प्लस इसके अंदर देखिए हमने पावर कंजम्पशन का भी पूरा ध्यान रखा है, ये जो हमारी जो मशीन आ रही है पूरी की पूरी 5-स्टार रेटेड मशीन आ रही है ये देखिए, तो पावर कंजम्पशन भी जब इसके अंदर बहुत बढ़िया है। प्लस इस मशीन के अंदर आपको 10 साल की वारंटी मिल रही है, 10 साल की वॉश मोटर वारंटी आ रही है, प्लस इसके अंदर आपको 2 साल की कंप्लीट वारंटी मिल रही है। प्लस आप ये एक चीज और मैं इस मशीन के अंदर आपको बताना चाहूंगा, जो इसमें इसके अंदर जो हमने वॉश मोटर यूज करी है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर, ये देखिए ये इसके अंदर वॉश मोटर भी जो है हमने जो वॉश मोटर भी यूज करी है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की हमने इसके अंदर वॉश मोटर यूज करी है। इसके अंदर 360 वॉट की आपके वॉश मोटर दी हुई है, ये देखिए ये भी हमने जो है इसके अंदर मेंशन करा हुआ है। प्लस इसके अंदर पीछे हमने जो आप केबल बाइंडर दिया हुआ है जिससे कि आप जो है केबल को पूरी तरीके से आप इसके अंदर फोल्ड कर सकते हैं, ये देखिए आप, जिससे कि क्या होता है जैसे मशीन का तार वगैरह नीचे गिरा रहता है तो उसमें गिरने वगैरह का डर रहता है, तो इसमें पूरा हमने पीछे की तरफ एक केबल बाइंडर भी इसके अंदर लगाया हुआ। बाकी देखिए इस मशीन के साथ में आपको एसेसरीज भी आ रही है, ये आपका जो ड्रेन पाइप आ रहा है और प्लस इसके साथ में आपको इनलेट पाइप भी मिल रहा है। प्लस आप जब भी ये मशीन परचेज करेंगे विद इन 24 आवर्स के अंदर मशीन जो है आपके घर पर इंस्टॉल हो जाएगी। और अगर आप इस मशीन का लाइव डेमो देना चाहते हैं तो आप आइए हमारे रिद्धि सिद्धि इलेक्ट्रॉनिक पर जो गौशाला के पास में सांगे, वहां पर आपको इस मशीन का लाइव डेमो भी दिया जाएगा। और अगर आपको कोई और क्वेरी भी अगर आपको बतानी है तो आप वो भी अपनी जनरेट कर सकते हैं। प्लस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर। थैंक यू। Thanks for watching my video. Please subscribe, like and share. Thank you.